दोस्तों गुड इवनिंग। आज इस क्लास के अंदर अपन एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि एटम क्या है, इससे संबंधित आज तक क्या कंसेप्ट आए, एटम को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन से मॉडल आए। आज तक अपने पास चार मॉडल आए हैं, परमाणु के कौन कौन से मॉडल हैं और कौन कौन से मॉडल के अंतर्गत क्या क्या बताया गया है, जिसे थॉमसन क्या कर दिया था, रदरफोर्ड क्या कर दिया था, बोर क्या कर दिया था, सोमरफेल्ड ने क्या कहा था, कौन कौन से मॉडल हैं, क्या क्या कहना चाहते हैं, क्या एक्सप्लेन करके गए थे। आज के प्रेजेंट में अपने पास कोई कंसेप्ट नहीं, वास्तव के अंदर कोई परमाणु है उसकी क्या साइज है, उसकी क्या इलेक्ट्रॉन से उनकी क्या स्पीड सकती है, क्या एनर्जी है। आज अनेकों प्रकार के मॉडलों के अंतर्गत कमियां हैं, लेकिन अभी तक एटम के परमाणु के चार मॉडल आए हैं। परमाणु के मॉडल की अपन बात करें तो परमाणु के चार मॉडल आए हैं, जिसके अंतर्गत एक तो आया थॉमसन मॉडल, एक आया रदरफोर्ड मॉडल है, एक आया बोर मॉडल और एक अपने पास है सोमरफेल्ड मॉडल। दोस्तों ये चार मॉडल आए, इन चार मॉडल में सबसे पुराना मोस्ट प्रिमिटिव मॉडल है थॉमसन मॉडल, मोस्ट एडवांस मॉडल है सोमरफेल्ड मॉडल, मोस्ट प्रैक्टिकली यूज हुआ है बोर मॉडल, सबसे शुरुआती बेसिक मॉडल रदरफोर्ड मॉडल है, बोर मॉडल का बेस है रदरफोर्ड मॉडल। इस प्रकार से चार मॉडल आए, इस चार मॉडल में थॉमसन का मॉडल है प्रिमिटिव मॉडल, इसे प्लैंक पुडिंग मॉडल कहते हैं, ये एक प्रकार का क्या है तरबूज वाला मॉडल कहलाता है, ये एक प्रकार का इलायची मॉडल कहलाता है, ये एक प्रकार का गुलाब जामुन मॉडल कहलाता है। इस अनुसार दोस्तों तरबूज होता है जो अपन मदीरी खाते हैं, मदीरी के अंदर जैसे बीज घुसे रहते हैं, इसने कहा था कि ब्रह्मांड की रचिता करने वाला जो बेसिक पार्टिकल है परमाणु है ऐसे होता है जैसे मदीरी होती है, जिससे मदीरी के अंदर बीज घुसे रहते हैं उसी प्रकार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन घुसे रहते हैं। ये बात थॉमसन ने कही थी, लेकिन ऐसा नहीं है, मॉडर्न में देखा गया कि परमाणु के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसका नहीं कंसेप्ट है उसके ऊपर। उसके बाद करने का सेकेंड नंबर का रदरफोर्ड ने सफलता परमाणु मॉडल दिया था, इसने कहा था कि दोस्तों इसके बाद परमाणु के अंदर एक घनावेश भाग होता है, नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ विभिन्न ट्रैक के ऊपर क्या करते हैं एक बहुत ही आवेशित और तेजी से इलेक्ट्रॉन घूम करते हैं, पार्टिकल्स घूम करते हैं। इसने क्या किया था, रेडियम से अल्फा कण प्राप्त किए थे, उसमें 20,000 अल्फा कण क्या करके फेंके थे, उसमें एक पार्टिकल यहाँ आया था, सिर्फ एक अल्फा कण, और सारे के सारे पार्टिकल्स मैक्सिमम क्या निकल गए थे, सीधे निकल गए थे, और कुछ पार्टिकल्स से स्केट राइज हो गए थे, बिखर गए थे। तो जो पार्टिकल अधिकांश क्यों निकल गई, इसका इसके कारण बताया था कि परमाणु का ज्यादा मास भी होता है, बिखर क्यों गए, कारण क्या था, स्केटरिंग हो गई थी, और ये स्केटरिंग दौरान पार्टिकल की नंबर कितनी होती है, एन इनवर्स की प्रोपोर्शनल 1/sin(4θ/2), ये इतने पार्टिकल है बिखर गए और ज्यादातर सीधे निकल गए। एक आध वापस आया था, इस प्रकार इसने कहा था कि परमाणु के अंदर एक छोटा सा भाग है धनावेश है, नाभिक का था, एक इलेक्ट्रॉन टकरा कर क्या आता था, वापस आता। इस प्रकार से इसने अपना मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने अल्फा स्पेक्ट्रम प्रयोग के द्वारा, ये जो पन्नी काम में ली थी स्वर्ण पत्र काम में लिया था, उसने भारी धातु का स्वर्ण पत्र काम में लिया था, लेकिन दोस्तों इसने एक्सप्लेन किया था कि भाई इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, तो उस टाइम मैक्सवेल ने बताया था इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है तो घूमता आवेश चार्ज को खोता है, एनर्जी को खोता है, इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन घूमता 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 नाभिक में चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और इसके आगे जाकर की व्याख्या किसने की थी, बोर ने की थी। तो अपन बात करते हैं बोर मॉडल की, बोर मॉडल प्रथम सबसे सफलतम मॉडल है और आज भी वर्तमान के अंदर किसी मॉडल के ऊपर सब कुछ प्रॉपर्टी को अपन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे आधुनिक अपन बात करें प्राइवेट रूप से तो यही मॉडल है, बोर ने देखो दोस्तों कहा था कोई भी परमाणु उस परमाणु के छोटे से धनावेश भाग में क्या होता है, नाभिक होता है। पहली बात यही थी छोटा सा भाग धनावेश भाग में परमाणु हो गया है नाभिक,
उसने कहा था कि इसके चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पथ है, ट्रैक है, जिसको इसने ऊर्जा स्तर कहा था, जिसको इसने कक्षा कहा था, जिसको इसने PMMM नाम देकर एनर्जी लेवल कहा था। इनके लेवल के ऊपर क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन खेलते। तीसरी बात इसने देखी थी परमाणु के अंदर हर कोई एनर्जी का लेवल ही होता है। उसने कहा था कि केवल वृत्ताकार कक्षे वही संभव है जिसका एन इंटू एच अपॉन कितना होता है 2π होता है। जिस ट्रैक का, जिस पथ का, जिस लेवल का कोणीय संवेग कॉमन एम आर बराबर एन इंटू एच अपॉन 2π है वही कक्षा। इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों तरफ ऑर्बिट के ऊपर फिक्स कक्षा को प्रभावित करने को। दोस्तों तो इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट के ऊपर फिक्स कक्षा को प्रभावित है, न तो इलेक्ट्रॉन खोता है ऊर्जा, न इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को लेता है। इलेक्ट्रॉन का न लॉस होता है न अवशोषित होता है, इसका नेट ऊर्जा लॉस नहीं होती। ऊर्जा लॉस नहीं होती है तो अपने वृत्त के ऊपर संपर्क को प्रभावित करता है, कार्य करना नहीं पड़ता है। और इसके ऊपर इसने कहा था जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है। जैसे इसने कहा था नेट फोर्स जीरो कैसे होता है, ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन से इधर काम करता है सेंट्रीपेटल फोर्स और वो होता है एम स्क्वायर बाय आर, और जो बाहर की ओर काम करता है वो सेंट्रीफ्यूगल है, अपकेंद्रीय बल है अपकेंद्रीय, और ये जो बल है वो अभिकेंद्रीय अभिकेंद्रीय। इस प्रकार एक अपकेंद्रीय होता है, नीचे होता है अभिकेंद्रीय होता है। और इस अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति का जो कारण बताया था वो बताया था इस अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति, इस काल्पनिक बल की उत्पत्ति का कारण वह है कुलांगी आकर्षण बल है, जिससे नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच की डिस्टेंस ये है एफ बराबर के जेड ई अपॉन कितना हो गया आर एस को। और के देखो दोस्तों सी जी एस के अंदर इसका मान क्या होता है एक होता है, सीजीएस में इसका मान एक है, एमकेएस में इसका मान होता है 1/4πε0 बराबर 9×10⁴ होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर होता है। देखो दोस्तों इसके अंदर सीजीएस केमिस्ट्री में सीजीएस का स्क्वायर का मान कितना हो गया एक हो गया, अर्थात अपने पास जो बल लगता है कितना है जेड स्क्वायर कितना हो गया आर हो गया। इस प्रकार देखो अपन इस इलेक्ट्रॉन पर देखें तो दोनों बराबर विपरीत है, अर्थात जेड स्क्वायर बाई आर बराबर कितना हो गया एम बी स्क्वायर बाई क्या है आर, अर्थात दोनों फोर्स बराबर विपरीत है तो नेट फोर्स कितना हो गया जीरो। इस प्रकार पार्टिकल्स लगातार ज्यादातर से निश्चित पथ के ऊपर चक्कर लगाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमित होता है, एक संक्रमण में एक फोटोन निकालता है, जैसे यहां से संक्रमण हुआ एक संक्रमण में एक फोटोन निकालता है, जैसे यहां से निकला एक फोटोन यहां से निकल गया एक फोटोन यहां से निकल गया, निकलने वाले फोटोन की नंबर कितनी होगी 2। इस प्रकार हर ट्रांजिशन के अंदर एक फोटोन को रिलीज करता है, ऊपरी कक्षा में जाता है तो बाहर निकालता है, नीचे कक्षा में आता है तो क्या करता है सॉरी ऊपरी कक्षा में जाता है तो अवशोषित करता है और नीचे कक्षा में आता है तो क्या करता है बाहर निकालता है। इस प्रकार देखो बोर ने कहा था कि परमाणु होता है उसमें धनावेश भाग होता है इसे नाभिक कहते हैं, चारों वृत्ताकार पथ होते हैं नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ होते हैं सर्कुलर पथ होते हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते समय अपनी एनर्जी को उन्हें खोते हैं उत्सर्जित करते हैं। और इसने यहाँ पे बताया था कि वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की इसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितनी होती है आर बराबर सॉरी ये जो परमाणु परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बोर की कक्षा की त्रिज्या कितनी है, ये इस परमाणु का साइज कितना है। इसने कहा था परमाणु का साइज होता है एन स्क्वायर बाय जेड इंटू 0.529 एम स्क्वायर होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है, इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी बताई थी वो बताई थी माइनस एन स्क्वायर बाय जेड इंटू जो ऊर्जा बताई थी वो बताई थी माइनस जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6×10⁻¹ जूल, और एक जूल बराबर होता है 10⁻¹⁵ आरएस,
और एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल और एक जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी। अब आपको दोस्तों इसके अंदर यूनिट ही इम्पोर्टेंट है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम आपको जूल में निकालनी है, अर्ग में निकालनी है, कैलोरी में निकालनी है, जिसमें निकालनी है आप निकाल सकते हो। और जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इसने बताई थी जेड अपॉन एन इंटू 2.16 इंटू 10 की पावर 2.1 एट 16 इंटू 10 पावर माइनस सॉरी एट मीटर प्रति सेकंड, ये इसने वेलोसिटी बताई थी। ये तो इलेक्ट्रॉन का क्या है वेग, ये ऊर्जा होती है और ये जो परमाणु की बोर कक्षा की क्या होती है त्रिज्या होती है। देखो त्रिज्या डिपेंड करती है किसके ऊपर, एन स्क्वायर के समानुपाती होती है, परमाणु घनमान में क्या होती है जिस समानुपाती है। एनर्जी देखो ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है जेड के ऊपर, किसके ऊपर एन के ऊपर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है देखो एन स्क्वायर क्योंकि माइनस साइन है। और यदि वेग देखें अपन वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड के और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके एन के। इस प्रकार आप किसी भी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन की आप एनर्जी कितनी है, उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है और जिस पथ के ऊपर जहाँ पर घूम रहा है उसकी त्रिज्या कितनी है, उसका आकार क्या है, गोल कक्षा की रेडियस कितनी है, आप किसी को भी क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू बोर कंसेप्ट। और बोर ने बताया था कि परमाणु यहाँ पे भी जा रहा था इस पथ के ऊपर घूमता है, एक सर्कुलर पार्ट के ऊपर घूमता है। इसके बाद में दोस्तों सोमरफेल्ड ने कहा था जो बोर ने बातें कही थी वो तो सही है लेकिन सोमरफेल्ड का मॉडल कहता है कि जो परमाणु के अंतर्गत नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट होकर निर्दस्त ऊपर चक्कर लगाते हैं वो रास्ते सर्कुलर के साथ साथ इलिप्टिकल भी होते हैं, दीर्घ वृत्ताकार भी होते हैं। और दीर्घ वृत्ताकार पथों की जो संख्या होती है वृत्ताकार पथों की संख्या से एक कम होती है। यदि अपने हो गए जो वृत्ताकार पथ है तो अपन दीर्घ वृत्ताकार और वृत्ताकार आपस में क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। इसने कहा था कि जो अपनी मुख्य क्वांटम संख्या मानी थी ये क्वांटम संख्या वास्तव में त्रिज्यीय क्वांटम संख्या और द्विध्रुवीय क्वांटम संख्या के दोनों के योग के बराबर होती है। और सोमरफेल्ड ने कहा था कि परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते समय त्रिज्या भी बदलती है और है भी बदलता है। इस प्रकार दोस्तों अपने इसके अंतर्गत पूरी क्लास में डिस्कस किया कि एक परमाणु के मॉडल कौन कौन से हैं, थॉमसन कौन सा है, रदरफोर्ड कौन सा है, बोर का कौन सा है, सोमरफेल्ड का मॉडल कौन सा है, तो मॉडल्स के अपने डिस्कस